भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज कराने के बाद महिला नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सिटी एसपी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। महिला पारो देवी ने बताया कि बुधवार की शाम बारिश के बाद वह अपने घर के नाली को साफ कर रही थी, तभी पड़ोसी ने उसे नाला साफ करने से मना कर दिया। इस बीच दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद पड़ोसी ने महिला पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें महिला जख्मी हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि वह आवेदन लेकर मधुसूदनपुर थाना गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया और उसका केस भी दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित पारो देवी एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि उसका पति मजदूरी करता है और पड़ोसियों से अक्सर विवाद होते रहता है। महिला ने बताया कि पूर्व में भी उसके साथ मारपीट की घटना पड़ोसी के द्वारा की गई थी, उस समय भी मधुसूदनपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ भर्ती छो? रेफरल अस्पताल बुधियाम छे, माँ पट्टी सिलाई करके माँ से रेफर करके अच्छा एम्बुलेंस अच्छा भर्ती अच्छा वहाँ से अभी कहाँ अलो छो? अभी कहाँ अलो छो? एस पी साहब थाना गेलो छो? कौन थाना पड़े छो? हाँ की बोल लगा थाना गेलो तो थाना में नहीं ले हमरा नहीं केस सुनवाई नहीं करी क्या ना उसनी पैसा वाला छी पैसा देता होते हमरा नहीं सुनवाई नहीं करी जी कि मैं झूठ और केस बना दल के मतलब कि और चोट दिन नहीं लगलो जी मैं कल के हमरा मार लो जी तो केस बना दल के ओकरो पैसा देला होते और हम के लिए कह कि तो हम केस कर मैं कर ले जो तो तोरो कथिन केस मन हो नहीं कैनन थाना वाला केस ले लको पैसा नहीं जे हमरा पास गरीब छी थाना वाला पैसा मांगे जों की पैसा मांगते की बोले छ पैसा दीजिए हां तब केस उस लेंगे हां आपका पति है कि आपका बाप है जो सुनेंगे जाएंगे पैसा देता है ऐसे बोलता पुलिस बोला हां। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से पर्यावरण बचाओ जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली को मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सोसाइटी के सदस्यों के अलावा स्काउट गाइड के पदाधिकारी एवं सदस्य भी शामिल होकर पर्यावरण के प्रति आम लोगों को जागरूक किया। इस दौरान रैली में शामिल लोग हाथों में पौधा के साथ पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर साथ साथ चल रहे थे। बता दें कि रैली घूरन पीर बाबा चौक से निकलकर कचहरी चौक होते हुए बीकनपुर स्थित नेत्रहीन स्कूल पहुंची, जहां सभी लोगों ने स्कूल परिसर में महोगनी कटहल अमृत कदम का पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों को संदेश दिया कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी की वजह से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत सारे लोग पौधा लगाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होने की वजह से वह पौधा पेड़ नहीं बन पाता है। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बहुत तत्पर रहती हूँ कि पेड़ लगाया जाए। अभी हमने अपने एजेंडे में भी लिया है कि हर महीने हर वार्ड में 5-5 पेड़ जरूर लगाएं और जितने भी हमारे पार्षद हैं उनका जो फैमिली या जो उनका बर्थडे आता है उसमें भी 5-5 पेड़ लगाएं। इस तरह से करने से तो 1-2 साल में ही काफ़ी पेड़ लग जाएगा और ये मुहिम सबको ये सोचना चाहिए कि जब भी उनका कोई बर्थडे आवे उनके बच्चों का आवे हमारे शहर के जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप जरूर उस मौके पे उस अहम मौके पर एक एक पेड़ जरूर लगाएं। इसका प्रोग्राम पर्यावरण को बचाने को लेकर है। पर्यावरण बचेगा तभी जिंदगी बचेगी।
देख रहे हैं कि तापमान जो है 42, 45, 50 तक पहुंच जा रहा है। ये 50 डिग्री मानव शरीर के लिए नहीं बना है, और ऐसे में लोग खड़े खड़े मौत के शिकार हो जाते हैं और खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नसें फट जाती है, तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है सो अलग। तो लोगों को जागरूक करना है, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। हमारी संस्था विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जीवन जागृति सोसाइटी स्कॉट गाइड की मदद से आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं। जो शहरों में लोग हैं उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप छोड़ के, थोड़ा सा जगह छोड़ के घर बनाएं और उसमें दो बच्चे रखते हैं तो दो पेड़ जरूर लगाएं। भागलपुर में ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय ड्राइवर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह, ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार, संयोजक बंसीलाल कन्हैया, सचिव मोहम्मद जहांगीर के द्वारा सभी रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि आज का प्रशिक्षण टोटो चालकों के लिए था। उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि टोटो चालक यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं और बैटरी को बचाने के लिए रात में लाइट का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में आम नागरिकों से भी उन्होंने अपील की कि जो टोटो चालक रात में लाइट का प्रयोग नहीं करते हैं वैसे टोटो पर सवारी नहीं करे। वहीं संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सभी टोटो चालक को प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत से ऐसे टोटो चालक हैं जो आज के प्रशिक्षण में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि वैसे टोटो चालकों का प्रशिक्षण संगठन के द्वारा दिया जाएगा। टोटो स्टैंड नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया, यहाँ पे लोग टोटो लगती है, तो जो भी पुराने एसोसिएशन के माध्यम से जो भी लोग बोलते थे कि हम लोग ये करते हैं टोटो का संचालन कराते हैं या चालक के एसोसिएशन के थ्रू जो भी पहले से था, उन लोगों ने एक ट्रेनिंग से संदर्भित चालक को एक ट्रेनिंग दिया जाए जो दैनिक कैसे चले रूट में, जो आम लोगों को, पब्लिक को दिक्कत ना हो, प्रशासन को दिक्कत ना हो, रूट ट्रैफिक संचालन की। मेरा इसमें चार चीज़ कहना है। एक तो रात्रि में टोटो चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाता, लेकिन टोटो छोटी गाड़ी है और ये पैसेंजर लेके चलते हैं, देखता हूँ मोटा मोटी आधा से ऊपर गाड़ी बिना लाइट के चलता है केवल बैटरी बचाने के लिए, और ये नहीं समझता उसमें चार आदमी है, चार घर का है, अपने भी चालक है, वो रिस्की है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उसमें जोखिम हो सकता है, तो लाइट जरूर चलाएं। बैटरी बचाने के चक्कर में आदमी के जान के साथ खिलवाड़ ना करें। दूसरा, गाड़ियों की संख्या बहुत है, जहाँ भी देखते हैं पैसेंजर रोकने के लिए, उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए बीच रोड पर रोक देते हैं, ये बेसिक के ज्ञान की कमी है। हमारे पास अगर जगह है 5 फीट और किनारे जाने का, किनारे और 5 फीट लगाएं, मेरा यही रिक्वेस्ट है। जहाँ पे आपको लगता है कि और हम किनारे हो सकते हैं, अपने मन में सोचे तो अपने आप किनारा हो जाए, तो रोड का समस्या यातायात का नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन और उसके खंडर का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद अब देश विदेश में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले भागलपुर के कहलगांव अंतिचक स्थित विक्रमशिला महाविहार को पुनर्जीवित किए जाने को लेकर भागलपुर के सभी सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों, इतिहासकार और दल से ऊपर उठकर लोग सत्याग्रह पर बैठ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एक साथ जीवंत किए जाने और विकसित किए जाने को लेकर वर्ष 2014 में घोषणा भी की थी। प्रधानमंत्री के घोषणा के 10 वर्षों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडर को पुनर्जीवित किए जाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई, जिससे भागलपुर जिले के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय बुद्धिजीवी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बिहार और देश में शिक्षा में क्रांति लाने को लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की निर्माण कार्य और विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ने हेतु हमारा हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने एक दिवसीय अपना यह सत्याग्रह का आयोजन किया था। बुद्धिजीवी यहाँ आए हुए हैं, हम लोग का एक ही मांग है कि 19 जून को हमारे देश के प्रधान
प्रधानमंत्री नालंदा में जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उसी तरह हम भागलपुर वासियों का एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि हम लोगों के नालंदा के तर्ज पर विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो उद्घाटन करें और विक्रमशिला का डेवलपमेंट हो। हमारे सांसद भाई अजय मंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको विक्रमशिला आने का निमंत्रण दिया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद मुख्यमंत्री से मिलकर पत्राचार किया है। हम अपने इस मंच से सबको साधुवाद देते हैं। झारखंड के धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति पवन पोद्दार का बेटा और भागलपुर खलीफाबाग स्थित BEU सैलिन किराए पर लेकर संचालन करने वाले हार्दिक पोद्दार सहित चार युवकों को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सैलून में ही चारों के शराब के नशे में होने की सूचना पर उत्पाद विभाग के SI नितिन कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर चारों को नशे की हालत में पकड़ लिया। जांच के दौरान चारों युवकों को नशे में पाए जाने की पुष्टि की गई। दरअसल सैलून गई महिला ग्राहक के परिजनों ने वहां के संचालक और अन्य युवकों के नशे में होने की शिकायत उत्पाद विभाग से की थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में BC के बेटे हार्दिक के अलावा बक्सर जिले के नवानगर के रहने वाले अभिषेक कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गहमर के रहने वाले प्रेमजीत कुमार और सुल्तानगंज महेशी के रहने वाले सिकुंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हार्दिक पोद्दार ने पूछताछ में बताया कि वह धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति पवन पोद्दार का पुत्र है।